Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. In this video, I'm going to show you how to create and share WhatsApp group link. सबसे पहले आपने WhatsApp application को ओपन करना है. उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है. न्यू ग्रुप को सेलेक्ट करना है. उसके बाद इसमें जो बंदे आप शामिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लें. एंड देन क्लिक नेक्स्ट. यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दें. आफ्टर दैट यू कैन चेंज योर ग्रुप नेम एज वेल एज योर ग्रुप लिंक. एंड देन क्लिक ओके. ओके करने के बाद आपका ग्रुप सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है. ग्रुप इन्फो पे जाना है और उसके बाद नीचे आना है. इनवाइट बाय लिंक इस पर क्लिक करना है. तो यहाँ पे हमारे पास लिंक क्रिएट हो गया है. इसको यहाँ से कॉपी करना है. और पेस्ट करना है. अगर आप किसी आमने सामने बंदे को अपने दोस्त को इसमें शामिल करना चाहते हैं तो जस्ट QR कोड से भी आप स्कैन कर सकते हैं. इस स्कैन के ज़रिए से वो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप में ऐड हो जाएगा और इस ग्रुप को भी आप शेयर कर सकते हैं. यहाँ से आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं. अपने व्हाट्सएप मेंबर को भी कर सकते हैं, मैसेंजर में भी कर सकते हैं और ईमो वगैरह में भी कर सकते हैं. अपने डायरेक्ट लिंक को यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं. जीमेल, ईमो, मैसेंजर, लिंक्डइन, जहाँ पे भी चाहें आप शेयर कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज योर ग्रुप नेम एंड लिंक. जस्ट क्लिक ऑन 3 डॉट, चेंज सब्जेक्ट. यहाँ पे नेम चेंज कर दें और ओके कर दें. ओके किया तो हमारा ग्रुप का नाम चेंज हो गया. इनवाइट वाई लिंक पे क्लिक करते हैं. यहाँ पर सबसे आखिर में रिसेट लिंक का ऑप्शन दिया गया है जिस पे क्लिक करने के बाद आपका लिंक चेंज हो जाएगा. लिंक एड्रेस चेंज होने के बाद पुराना वाला लिंक आपका काम नहीं करेगा, जिसके ज़रिए से कोई भी आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता. तो ये थी आज की वीडियो. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.